Yeah.
ये उसका आइडिया था, लेकिन है क्या थी इसके गरीब किसान का बेटा, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी दौलत में एक रोज में 1,34,00,000 रुपए का इजाफा होता है हर रोज। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके हाथ से अगर $1,000 गिर जाए उसके बाद $1,000 उठाने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि $1,000 उठाने के लिए उसको 4 सेकेंड लगेंगे और 4 सेकेंड में इसकी दौलत में $1,000 का होने से। इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर ये पूरी दुनिया के लोगों में 15-15,000 रुपये तक टीम करेगी तो फिर भी इसके पास $500 मिलियन लगे। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर ये 35 साल तक अपनी डॉलर को खर्च करता रहे तो इसे एक दिन में 700 मिलियन खर्च करना है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर इसकी डॉलर को जमीन से चांद तक बिछा दिया जाए इसके नोटों को, तो इसके नोटों की लंबाई जमीन से चांद तक के फासले से भी 14 गुना ज्यादा हो गया। क्योंकि इसको निकाल दिया गया कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी इंटेलिजेंसी सिर्फ ये दर्ज की गई कि ये शार्प कितना है, ये नहीं देखा गया कि ये इनोवेटिव कितना है, ये क्रिएटिव कितना है। हमारी इंटेलिजेंसी एक चीज पे देखी जाती है, IQ पे, और हम हमेशा गलत करते हैं। हम उन स्टूडेंट को जाया कर देते हैं जिनकी इंटेलिजेंसी क्रिएटिविटी में है, कुछ और है। कोई इंटेलिजेंस IQ में होती है, कुछ क्रिएटिविटी में होती है, कुछ नया सोचने में होती है, कोई आइडिया नए जनरेट करता है, ये हो सकता है। Go back, अली मान्य बात है, इसको भी जानते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज पे, एक्सप्रेस पे, मीडिया पे इसके बारे में बहुत सी बातें बताई गई। इस लड़के का ताल्लुक रावलपिंडी के एक गरीब घराने से, 2010 की बात है, बहुत बैक की बात करी है। क्योंकि 1953 में हम बच्चे थे, उस वक्त पैसे की वैल्यू भी कुछ और थी, उस वक्त खराब भी कुछ और थे। अभी की बात है, 2010 का रिजल्ट है। इस शख्स ने, लड़के ने ए लेवल के इम्तहान में 23 में 23 के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड मैन किया। इसकी इस कामयाबी पर इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया। वो बुक है जिसमें उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो दुनिया में कुछ नया करते हैं जो पहले भी किसी ने इसके कामयाबी पर दुनिया की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के घर आकर इसको उठाकर अपनी यूनिवर्सिटी ले गई। और आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK लंदन में ये लड़का फ्री एजुकेशन हासिल कर रहा है, और फ्री एजुकेशन जब तक चाहे जितनी चाहे फ्री कैम्ब्रिज के बच्चे भी उठाएगा, कैम्ब्रिज के बच्चे भी अपनी एजुकेशन हासिल करेगा, जिसके आने जाने के टिकट, उसके खाने पीने की राय सब कुछ कैम्ब्रिज के ऊपर है। सिर्फ टैलेंटेड लोगों को, मेहनत करने वाले लोगों को, हर लोग हर तरफ से बड़े होते मिलते हैं। और यही हमारे इतने चिंता है। हम ये भी इससे पूछा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, इसने कहा कि मैं स्कूल लाइफ में उद्देश्य लोगों की फिलोसफी और कामयाब लोगों की जिंदगियों का मुशायरा किया था। मैं देखा करता था कि लोगों की कामयाबी कैसे आ सकती है, मैं कंपेयर करता था कि क्या मैं कामयाब हो सकता हूँ। और आज मैं जिन लोगों की स्टोरीज पढ़ रहा हूँ, कल मेरी भी स्टोरी लिखी है, कल मुझे भी रोल मॉडल बनाया गया, कल मुझे भी लोगों के सामने बताया गया कि ये वो शख्स था जिसने मेहनत किया, उसको फल मिला, उस शख्स की मेहनत उसके काम आई और आज उसको भी एक रोल मॉडल बनाया गया। हमारी एक्टिविटी का पर्पस ये है कि हम आप लोगों में एक और ऐसा लीडर देखना चाहते हैं जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल, हम आप लोगों में एक और ऐसा साइंसदान देखना चाहते हैं जो हमारे मुल्क को दोबारा रिप्रेजेंट करे, हम एक और ऐसा साइंसदान देखना चाहते हैं जो हमारे मुल्क को और ऐसी ताकत बना दे ताकि दुश्मनों की नजर हमारे मुल्क के ऊपर दोबारा ना उठे, और वो नजर उठने से पहले और बात होती है कि पाकिस्तान में बहुत दुश्मनी है, हमें ये करके दिखाना है। और ये किसी ने नहीं आगे करना, ये हमने करना है, हमारे नौजवानों ने, हमारी ये नई जनरेशन ने करना है। और वो आप लोगों की स्ट्रगल कामयाबी मेहनत में है, किसी और चीज में नहीं है, इरादा इरादे करने में है, इरादा कर लें, डिटर्मिनेशन कर लें, यही चीज हम आपको
ये तो कुछ सक्सेस स्टोरीज होगी जो कि आप लोगों ने देखी की लोगों की कामयाबी क्या है। वैसे इस तरह की थाउजेंड की स्टोरीज है वो ये भी महंगा